क्या बोला तूने? वेलकम बैक टू दोस्तों, स्वागत आपका हमारे फिर से नए ब्लॉग में। तो मैं अभी मेहसाना में गुजरात में हूँ, गुजरात के राज्य मेहसाना ज़िले में। मैं अहमदाबाद तो आएगा तो आप ब्लॉग देखे ही होंगे। तो मैं अभी साइड पे हूँ, मतलब मैंने जुम्मा को आया था और शनिवार को मैंने साइड पे आ गया हूँ, क्योंकि घर पे रहने में मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और सोचे तब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक हम चले जाते साइड पे, कुछ सीख भी लेंगे। रिजल्ट सुने हैं 10 मार्च को भी रिजल्ट देने वाले हैं। तो मैं साइड पे हूँ, देख साइड का सीन दिखा देता हूँ आप सबको जो कैसा दिख रहा है। और अभी नाइट शिफ्ट चल रहा है तो अभी मैं मार्केट जाऊँगा इन सब के लिए नाश्ता लेने के लिए। तो मैं इन सबको पहले सीन दिखाता हूँ कैसे दिख रहा है। तो अभी नाइट शिफ्ट चल रहा है और 2 कारीगर यहाँ पे हैं और ये भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे और नाइट शिफ्ट चल रहा है, मतलब काफ़ी आदमी वहाँ पे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही आदमी हैं। अब ये सब लगाया जाएगा तो वहाँ पे चलते हैं, दिखाते हैं आप सबको। ये कॉलेज बन रहा है तो आगे यहाँ पे पानी है, पर मैं जूता पहना हुआ तो मैं आराम से जा सकता हूँ और नीचे गहरा भी दिख तो नहीं रहा होगा। तो ये सब बॉयज़ का हॉस्टल है, वो गणपत यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ से काफ़ी विद्यार्थी आते हैं तो यहीं पर रहते। गणपत यूनिवर्सिटी यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है और यहाँ पे अभी छत ढलाई का ये काम चल रहा है, तो 2 दिन के बाद छत ढलाई होगा यहाँ का। और ये कारीगर लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं और सरिया का काम इस साइड अभी चल रहा है। ये सब तो अंधेरे कारण दिख नहीं रहा है और काफ़ी कारीगर वहाँ पे जो पलाई उठा के ले जा रहा है वहाँ पे जितने रखने के लिए, क्योंकि वही अभी पलाई वहाँ पे लगेगा। अभी वहीं पे थे जो हम वीडियो बना रहे थे, पलाई कट रहा था। तो अभी चलते हैं पहले नाश्ता इन सब के लिए लाने के लिए। तो हम लोग गेट पे पहुँच चुके हैं, गेट से निकल चुके हैं, हावी पे आ चुके हैं। तो बड़े से मार्केट का द्वार है जो इस सच जाता है उस सच जाता है, ये द्वार है। आज काफ़ी ज़्यादा तो हम लोग सब्जी मंडी में बाइक लेके ही आ चुके हैं और सब्जी लेना है। ऐसा मुझे भाई लोग का भी नहीं चल रही है, बस निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं पहले आइसक्रीम। तो हम लोग सुबडिया स्वीट मार्ट के पास पहुंच चुके हैं, SSM है और ये काफ़ी पुराना है, करीब 1979 ईस्वी के हैं। 10 धावेली पैक कर दो, एक दूध के पैक कर दो। वो बिल दे दिया और बोला वहाँ पे जाइए, तो वहाँ पे भाई का बुलाया। थैंक यू। तो मेरे को ये बटर कॉर्न मिला है गिफ्ट में जो मैं ब्लॉगर हूँ उसके वजह से। तो नाश्ता पैक करा लिए हैं, उसके बाद आप चलते हैं। तो आप भी आइए सुबडिया स्वीट मार्ट के पास जो काफ़ी पुराना है, इसका लोगो भी बहुत ही शानदार है। आप भी चलते हैं, निकलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, तो गेट अभी ओपन ही है, हालांकि 1 घंटे के बाद गेट बंद हो जाएगा अभी, तो फिर नो एंट्री। अभी बॉयज सब यहाँ पे हैं क्योंकि हॉस्टल से भी मतलब बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ अंदर ही रह सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा है, चलते फिर सबको नाश्ता दे चलते हैं। सबके लिए नाश्ता आ चुका है, आइए आइए और खाइए आप सबके लिए भी। ये वड़ा पाव है, बटर वड़ा पाव मैंने पैक करके लाए थे और चलते हैं उन सबको भी देते हैं। वीडियो में क्या कौन बोलता है देखते हैं। तो अभी डे शिफ्ट चल रहा है और अभी वीडियो इतना फ्रेश नहीं आ रहा है क्योंकि धूप की वजह से। तो वीडियो कट करते हैं, देखते हैं। और कॉलम भराई चालू है और इन सबको ठेका पर दिया, यानी 8 आदमी 16 कॉलम लगाएंगे तो इनको 2000 मिलेंगे, यानी 1000 रुपये मिलेंगे पर आदमी को। तो ये अभी 8 आदमी हैं और 16 कॉलम लगाना है, तो देखते हैं कितने देर में ये सब लगा पाते हैं। अभी पलाई ठोका जा रहा है और शिकंजा लगाया जा रहा है और काफ़ी आदमी सब है यहाँ पे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कभी ये 3 माला कभी अभी 1 ही माला हुआ है, यहाँ कितने नाचे हैं और कितने खतरा से मतलब ये कारीगर लोग काम करते हैं।
चले दिखाते हैं आप सबको, और सब काम इधर कर रहे हैं। और बाकी आदमी जो वहाँ पे काम कर रहे थे, रात को जो वीडियो बनाए थे तो रात को काफ़ी अंधेरा था जिसको उसे दिखाई नहीं दिया क्योंकि हम वहाँ पे थे। अभी चलते हैं, ये तो बॉयज़ हॉस्टल है तो वहाँ पे चलते हैं पहले वहाँ पे। तो ये सीढ़ियाँ है जो अभी तैयार किया जा रहा है और इसका छत ढलाई हो चुका है तो अभी ये खोला भी जा रहा है, तो धीरे धीरे मतलब जल्दी यहाँ पे खोला जा सकता है, उतना टाइम भी नहीं लगता है खोलने के लिए। तो वहाँ लेबर के पास चलते हैं पहले। ये लोग वो लोग मतलब ठेका लिए थे लेकिन ये लोग हाजिरी पे कर रहे हैं, यानी ये लोग अगर 6 बजे तक काम करेंगे उसके बाद इन सबको 500 रुपये मिले, यानी एक हाजिरी होगा इन सबका। तो देख सकते हैं आप लोग अभी ये है और ये काम चालू है जो काफ़ी अभी भी जितना ऊँचा पे है 3 मंजिल के बाद भी उतना ही ऐसे ही काम करता है, मतलब खतरा इन सबको बना ही रहता है जितना है और ऐसे ही बना। वो भी देखो वहाँ पे प्लाई ठोका जा रहा है और प्लेट भी ठोका जा रहा है, तो सब ऐसे ही काम हो रहा है। अभी भराई भी चालू है वहाँ नीचे में भराई चालू है, आप देख सकते हैं। चलिए आप नीचे चलते हैं, नीचे चलने के बाद आपको नीचे का नीचे से आप सबको सीन दिखाते हैं हम आपको। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा, आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।